गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल जी। वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। ऐसे दिल से मैं आरबी कौर आपका वेलकम कर रही हूँ आज के न्यू ब्लॉग में। सुबह के 11 बज रहे हैं और मैं रेडी हूँ क्लास जाने के लिए। नहीं, आज वैसे मंडे है, मंडे को तो ऑफ रहता है, तो ऑफ ही रखी हुई है मैंने क्लासेस। संडे मैंने ब्लॉग शूट नहीं किया था, आज का ब्लॉग शूट कर रही हूँ। आज वैसे मैं पीजे जाने वाली थी, बट मैं पीजे नहीं गई हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ वहाँ से कॉल आ गया था कि जो मेरा एक काम अटका हुआ था, काम तो बहुत अटके हुए हैं बट वो आज होगा नहीं, तो आज जाके कोई फ़ायदा नहीं था। एक दो काम होना था, तो मैं सोचा चल इतने चक्कर लगाने से बेटर है कि मैं वेनसडे को जाऊँ। तो वेनसडे को मैं और दुग्गल जी दोनों जाएंगे पीजीआई। फिलहाल मैं हॉस्पिटल ही जा रही हूँ, कुछ टेस्ट भी करवाने मुझे अपने, और रिपोर्ट्स भी कलेक्ट करनी है, और क्या कहते और बस यही काम है ना। तो फिलहाल मैं भाग रही हूँ। दुग्गल जी ने अपने आप को फीवर करवाया हुआ है कल से लेके, जब मैं परसों गई थी इनको कह रही थी मैं शर्ट पहन जाओ, वहाँ पे वो हो जाता है सर्द गर्म, अंदर एसी होता है। अब ये पेशेंट है या वहाँ मुझे ठंड लग जाती है नॉर्मल इंसान के, तो पेशेंट है। मानी नहीं, टी शर्ट में गए यहाँ से, फीवर करवा लिया आके। तो परसों से इनको फीवर चढ़ रखा है, तबीयत इनकी ख़राब चली हुई है। और एक और चीज़ है, चुन चुन को हमारी गली का कुत्ता काट गया। अब चुन चुन को भी लेके हॉस्पिटल जाना है मेरे को। उसके बड़ा मतलब यहाँ पे आँख के ऊपर और आँख के नीचे बहुत बड़ा एक जख्म बन गया यार। तो ये सारी चीज़ें हैं करने के लिए, कभी भी मैं फ्री नहीं हूँ। आज मैंने सोचा था कि मंडे चलो रेस्ट कर लूँगी, बट दिमाग तो मेरा कंटिन्यूसली चल रहा है, कंटिन्यूसली एक सेकंड के लिए रुकता नहीं है। तो मैं घर की सफाई वगैरह करने लगी हुई हूँ, कर रही थी वैसे तो, अभी स्टार्ट ही करी थी करनी, बट फिर याद आया कि अरे हॉस्पिटल के काम भी हैं आज। पूजा वाला रूम साफ करूँगी, है ना, थोड़ा बहुत हो गया, बेडशीट वगैरह चेंज करनी है क्योंकि बाद में मुझे टाइम नहीं लगना। बाद में कभी भी हमको बोल देंगे कि हाँ जो आ जाओ, हाँ जी आ जाओ ट्रांसप्लांट के लिए, ये सब सेट करने हैं कपड़े। फिलहाल मैं भागती हूँ हॉस्पिटल के काम धाम करके आती हूँ। मंडे है तो इनका डायलिसिस भी है, डायलिसिस के लिए आज इनको 12 बजे बुलाया हुआ है। कभी कभी ये बुलाते हैं 12 बजे, कभी कभी बुलाते हैं सुबह। तो मिलते हैं आपको भी हॉस्पिटल से आके या हॉस्पिटल में, जैसे भी रहेगा। बन रहे आगे के ब्लॉग में गाइस, बाय। पहुँच गई हुआ इस हॉस्पिटल, स्कूटी मैंने यहीं पार्क करी है क्योंकि आगे जगह कहीं है नहीं। अब पता नहीं आज चलान वाला ना हो जाए, तो क्या करूँ, कहाँ करूँ पार्क। और आगे पूरा भरा पड़ा है, आगे भी और पीछे भी सब जगह, देखा जाएगा जो भी होगा। इतनी गर्मी है ना गाइस, बारिश से पसीने छूट रहे हैं और इसकी लीच नहीं मेरे को मिल रही। जब से मैं आई हूँ, घर आ गई हूँ मैं, और टेस्ट वगैरह जो भी थे, रिपोर्ट्स, दो रिपोर्टें नहीं मिली है, बाकी सारा काम हो गया हुआ। कुछ टेस्ट हमारे कल होंगे, और मेरे भी और दुग्गल जी के भी। एंड क्या कह रही थी मैं, दो रिपोर्ट्स मेरी मिली नहीं है, मेरी और इनकी दोनों की। तो 2:30 बजे दोबारा पूछने जाना है। जो बाहर प्राइवेट में हमने करवाए थे वो हमने पहले परसों ही ले ली थी रिपोर्ट्स। तो अभी चुन चुन को लेके जा रही हूँ हॉस्पिटल, और बाहर इतनी तेज़ धूप है ना, इतनी गंदी गर्मी है, मन नहीं कर रहा कि बाहर जाए। शक्ल देखो बाहर जाके कैसी होगी। इसकी लीज नहीं मिल रही है, लीज पता नहीं कहाँ। एक तो लीज इन्होंने चूल्हे में फूक दी इसकी, है ना। अभी वो नाड़ा लेकर आई हूँ, मैं नाड़े से लेके जाऊँगी बांध के इसको, अभी क्या करूँ, मिल ही नहीं रही है। पिछले आधे घंटे से लीज ढूंढ रही हूँ उसकी। दुग्गल जी को खाना दे रखा है, मैंने जाने वाले हैं, बस 12:15 हो गए हैं। फीवर चेक करा कितना, अभी कितना है, बिना बोले ना कुछ काम कर लिया करो, है ना। चलो ठीक है गाइस, देखती हूँ उसको चुन चुन को कैसे लेके जाती हूँ, क्या कर। हाँ फायदा तो कोई करके है नहीं, बस सब गाइस उसको लेके आ गई मैं हॉस्पिटल। उतने बड़े बड़े कुत्ते हैं यहाँ पे, और भी एक यहाँ भी बंदा, वो पसीने आप देख ही रहे हो फेस पे, बहुत हाई गर्मी हुआ है आज तो। बादल तो लगे आने, बट बारिश आएगी कि नहीं विडोनो। पर यहाँ की तरह से भीगी बिल्ली बन जाएगी ना, ये पीछे पीछे लगी रहेगी। और घर से इतनी मुश्किल से पकड़ के लाई हूँ उसको, नाड़े में लाएगा इस पान के, लीस लूस नहीं इसकी मिल रही, कुछ नहीं कहती। आ जाओ चुन चुन को दोस्त मिल गया, और देखो पाली नो, छोटे पे चौधरी बनेगी, बड़े पे तेरी हवा गुल हो जाती है। हाँ नो, इसको दूर रखियो बेटा, बाइट कर देती है कई बारी वो छोटे बच्चे उस पे, पपीज पे। गाइस देखो हमें कौन मिला है। हेलो चुन चुन देख रही है जुजु को। हेलो जुजु, जुजु ने पिंस भी लगाई है गाइस देखो ऊपर। आज ही देख ले चुन चुन को, उसका खेलने का मन कर रहा है, और चुन चुन उसको देख वो कर रही है। मां दिखाना, तो गाइस मेडिसिन लेने भेज रही हूँ इस चुन चुन की, इतना बड़ा पर्चा। शुक्र है यहीं पे खुल गई शॉप, नहीं तो वो आगे जाना पड़ता था। चुन चुन को किसी के हवाले छोड़ के आई हूँ।
आज इसको एक इंजेक्शन तो टूट गया, अभी दूसरा इंजेक्शन और टूटेगा, इसको अब बेहोश करेंगे, इसकी ड्रेसिंग करेंगे। ये देख रहे हो ना, ये चोट यहाँ पे लगी है इसकी, एक दांत ऊपर एक दांत नीचे, और बहुत डीप है गाइस नीचे वाला तो ना। मैंने नॉनी ने रात को बीटाडीन लगाई थी वैसे तो इस पर, तो बहुत डीप है, अंदर तक बहुत अंदर तक दिख रहा था। नो छोटों पे शेर बनती है तो उसके वो भी हो रखे हैं, टिक्स भी हो रखे हैं गाइस उसके। किस किस पे ध्यान दूँ मैं, मैंने बोला टिक्स का इंजेक्शन लगाने को, बुक अभी नहीं लगाएंगे, बाद में लगाएंगे जब ये वाला ट्रीटमेंट इसका कंप्लीट हो जाएगा ना, फिर लगेंगे। लो जी हो गई चुन चुन बेहोश, इतने मुश्किल से इसने इंजेक्शन लगाने दिया ना गाइस, इसने मेरे भी एक खरोच मार दी यहाँ पे बाजू में। मेरे को इंजेक्शन तो नहीं लगवाना पड़ेगा, पता नहीं मुझे पता इसके बारे में ज़्यादा कुछ है नहीं। चुन चुन अब तेजी में दी होगी नचड़ी की जैसे, चुन चुन ये बहुत डीप है इसका, बहुत ज़्यादा डीप है, इसकी ड्रेसिंग होनी है गाइस, इसलिए इसको इंजेक्शन दे के बेहोश किया हुआ है। टाइम मेरे यहाँ पे ही बज गए हैं 1:15 गाइस। खुली आंखों से कौन बेहोश होता है, हमारी चुन चुन होती है। इसको उठा के लेके आई हूँ मैं वहाँ से, चल पा नहीं रही है, पर आंखें देखो इसकी खुली हैं। गाइस मुझे 2 बजने वाले हैं यहीं पे, छुन छुन मैडम होश में आने का नाम नहीं ले रही, टाइम इतने हो गए हैं, और बरखा रानी ना कभी बरक सकती है। छुन 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 जी चले क्या, छुन छुन तो तस्मस नहीं हो रही यार, कब से वेट कर रही हूँ मैं इसका यहाँ पे, पहले वो उस टेबल पे थी, वो वाले टेबल पे थी, ये उठा के इसको यहाँ लेके आई हूँ। सो गाइस घर पहुँच गई थी मैं 2:15 बजे, अभी 2:30 बजे हैं, और नहा के निकली हूँ, देख ही रहे हो जैसे आप पूरे बाल बाल चिपक गए थे, फिर इन्फेक्शन लग जाती है ना, फिर मेरे को दुग्गल जी के पास भी, दुग्गल जी से थोड़ा सा वो करना पड़ता है ना, क्या बोलते हैं उसको, मतलब इन्फेक्शन ही लगनी चाहिए दुग्गल जी को। तो चुन चुन को भी मैंने इसीलिए बाहर लिटाया हुआ है, ये लेटी हुई है यहाँ पे, और इसको बाहर लिटाने के रीज़न ये है कि इसको ना टिक्स पड़े हैं बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा, तो इस करके इसको बाहर ही रखती हूँ मैं। और इसको आजकल हम इसलिए भी बाहर रख रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा दुग्गल जी का मुझे ध्यान रखना पड़ता है इन्फेक्शन के उससे, क्योंकि डॉक्टर ने बोला है कि डॉग से दूर रखना है किडनी पेशेंट को, ये एक रीज़न है। बाहर रख रख के इसको हो गई हैं चिचड़ियाँ, तो इसके चिचड़ियों के भी इंजेक्शन लगवाऊंगी मैं फ़िलहाल, अभी ये वाली इसकी वैक्सीनेशन ख़त्म हो जाए डॉग बाइट वाली, इसको 4 डोज और लगनी है। परसों बुलाया है, परसों जाना है हम लोगों ने PGI, तो परसों का देखते हैं, नोनी को बोलूँगी या फिर खुद ही लगा लूँगी मैं इसके, या दुग्गल जी, मुझे भी आता है वैसे इंजेक्शन लगाना, दुग्गल जी को भी आता है बंदर आ गए, तो इसलिए उसको बाहर उठा के रखा हुआ है। बारिश लगी थी तो इसलिए बारिश में ही लाई थी इसको, अनकॉन्शियस ही अभी तक भी ना है, उठ ही नहीं रही है, भूख लगी हुई इतने ज़ोरों की ना, इतने ज़ोरों की क्या ही बोलूँ मैं। सबसे पहले आके फ़ोन सैनिटाइज़ किया, कीज़ अपनी स्कूटी सैनिटाइज़ की, क्योंकि डॉग्स बहुत सारे आते हैं ना वहाँ के सबके सबके, तो ये सारी चीज़ें हैं। मैंने सोचा था सफाई वगैरह करूँगी, तो फिलहाल मैंने बस ये कपड़े ही सेट करे हैं जो बाहर रखे थे, और डस्टिंग बस्टिंग जो होनी थी मेरे से कुछ नहीं होनी थी, क्योंकि मैं गई हूँ थक बहुत ज़्यादा। दुग्गल जी को पूछी थी तबीयत ठीक है, तो कह रहे हैं ठीक है तबीयत, तो कुछ खाने के लिए छोड़ना है उनके लिए, अब मैं कब छोड़ूंगी देखती हूँ, तो मना कर रहे हैं, बट खा के तो गए हैं यहाँ से घर पे। खिचड़ी बनाई है जी खिचड़ी, पिछले दिनों से ढंग का खाना नसीब नहीं हो रहा है, क्या ही बोलूँ यार, ज़्यादा बोल ही नहीं सकते, बहुत पचड़े हैं यहाँ पे, एक पचड़ा नहीं है, बहुत पचड़े हैं। लोग दिखाते तो ऐसे हैं कि बहुत ज़्यादा इमोशंस हैं, लोगों को बहुत प्यार करते हैं, पर कोई किसी से किसी का कोई प्यार नहीं है, दिन रात कोई भाग रहा है और रेस्ट नहीं मिल रहा है ना, तो थोड़ी बहुत चीज़ें हो गई तो मैनेज कर लेनी चाहिए ना, इनके अपने मुँह पर चढ़ जाता है यहाँ पे घर वालों के, कोई इधर को कोई उधर को, बहुत मुश्किल है भाई ज़िंदगी, बहुत मुश्किल है, किसी को कोई घंटा फ़र्क नहीं है कि किसको क्या प्रॉब्लम है और क्या कर रहा है, वो कितना स्ट्रगल कर रहा है, कितनी मेहनत कर रहा है, कोई थक रहा है, कोई ठीक नहीं है तबीयत से, मेंटली कोई ठीक नहीं है, किसी को कुछ लेना देना नहीं यहाँ पे, मैं सच बता रही हूँ आपको, सच, किसी से उम्मीदें रखना छोड़ दो ज़िंदगी में, चाहे आपका कितना ही चाहने वाला होगा ना, कोई कितना ही प्यार करता होगा जो आपको बोलता होगा कि मैं रह नहीं सकता या रह नहीं सकती, या दोगले भी लोग होते हैं ना, बोलते ऐसे और करते कुछ और हैं बीच पीछे, तो ऐसे भी लोग होते हैं, कोई नहीं है, मैं बता रही हूँ ज़िंदगी की रियलिटी यही है कि आपका अपना कोई भी नहीं है ना, आपकी माँ ना आपके बाकी के रिलेशन, बस मैं खुल के नहीं बोल पाऊँगी चीज़ें, समझ जाओ खुद बहुत। अब माँ तो चलो, माँ के भी रीज़न बहुत सारे हो सकते हैं, बट
सभी नहीं होते ही ऐसे यार, कुछ होते भी हैं जो जिनको होती है अंदर फीलिंग्स, इमोशंस होते हैं, बट मैक्सिमम यही है कि नहीं होता आज की दुनिया में कोई। आपको अपनी दिक्कतों से खुद ही सामना करना पड़ेगा और आपको वो पावर परमात्मा से लेनी पड़ेगी और कुछ नहीं है। मैं बस लग रही हूँ, पता नहीं मैं कैसे लग रही हूँ, भगवान जाने। रोना आ जाता है कभी कभार यार, बहुत आजकल मेरे को पता नहीं क्या हो रहा है, मेरा पेशेंस छूट रहा है, पता नहीं क्यों छूट रहा है। क्लास के पंगे पड़े हुए हैं, बच्चे आ रहे हैं क्लास में बट क्लास देखने वाला कोई है नहीं। संस्कृति है बट वो कंपलसरी रुक नहीं सकती है, उसकी अपनी लाइफ है, बहुत चीज़ें हैं यार, मैं क्या बोलूँ, मुझे समझ भी नहीं आ रहा। तो कभी कभी मन में आता है कि क्लास बंद करके छोड़ो चलो, बट अर्निंग सोर्स वही है तो वो भी एक चीज़ें भी को मैनेज करनी पड़ेगी। दिन रात में भाग रही हूँ हॉस्पिटल, चाहे कुत्तों को लेके, चाहे अपने आप को, चाहे जो भी है, चल जो भी, मेरी ड्यूटी है, मेरे करनी है वो चीज़ें, बट एटलीस्ट समझने वाला तो कोई होना इंसान की जिसके ऊपर हम सारी चीज़ें बोल सके कि हाँ ऐसा, अगर मैं गुस्सा कर रही हूँ तो उसको समझ में आए कि क्यों गुस्सा कर रही है। सॉरी हो जाती है कभी कभार चीज़ें, मैं कोरोना नहीं है ना, मैं कोई सिंपैथी के लिए रो रही हूँ, बस एक कुछ चीज़ें हैं, बस मैं नहीं बोल सकती खुल के। को क्या प्रॉब्लम है, अब कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम है वो आपका कोई साथ देगा नहीं। यहाँ पे सबको अपनी बड़ी है, दिखावा करते हैं पूजा पाठ का, भगवान को मानने का, अंदर ही दिल में मैल रखते हैं। कोई बात नहीं, उसका हिसाब भगवान करेगा, मेरे को कुछ नहीं बोलना। फिलहाल मैं खाना खा लेती हूँ, सॉरी हो गया मुझसे आज, रो नहीं रही हूँ वैसे, परेशान हूँ मैं बस, ठीक है। तो ये बना हुआ है जी आज का खाना, जले हुए चावल, भूख कितनी तेज लग रही है बट कोई बात नहीं। ए चुनिया होगी ठीक या फिर भी नशेड़ी बनी हुई है, शाम होगी 5 बज गए, उठ जा, चलो चल के दिखाओ मम्मा को, चलो चलो मैया मैया, चलो चुन चुन, चलो उठो, खाना तो खा गई तू। अरे 5 बज गए गाइस, दुग्गल जी आ गए, मैं समर आके अपने ट्यूशन जा चुका है, दुग्गल जी का फीवर है 99.9, ठीक ही नहीं आ रहा फीवर अब के बार, हो गया टाइम 5:15। तो गाइस घर की छत के ऊपर बैठी हुई हूँ अकेले, अकेले तो नहीं, मिस चुन चुन, तो अभी थोड़ी बहुत होश में आ गई हुई है अभी भी, एकदम से आई भाग के, जैसे गेट की आवाज़ सुनी ना कि मैं ऊपर आ रही हूँ, एकदम से भाग के आई वहाँ से, इतनी देर से नहीं उठ रही थी मैं, उसको उठा रही थी। तो शाम के 6:30 हो रहे हैं गाइस, कुछ नहीं, बस टाइम पास कर रही हूँ अपना बैठ के, और नींद मुझे आ नहीं रही है, मुझे नींद आई थी पहले, वह किचन में शोर हुआ थोड़ा सा, फिर मैं उठ गई, नींद ऐसी ही है बहुत जल्दी खुल जाती है, सोने आने लगी थी नींद, फिर एक बार नींद डिस्टर्ब हो जाती है फिर मुझे आती नहीं नींद, पता नहीं अजीब सा ही सिस्टम है मेरा। सामने देखो सनसेट हो रहा है और दुग्गल जी लेटे हुए हैं, वो आ गए थे अपने 5 बजे, खिला पिला के उनको लटा दिया हुआ है, और फीवर उनका 99.9 है, फीवर नहीं रुक रहा, मतलब फीवर ठीक नहीं हो रहा, परसों से चढ़ा हुआ है इनको यार, हमने वापस वेडनेसडे को जाना है, अगर ऐसे चलेगा फिर कैसे जाएंगे, बॉडी में जान तो चाहिए ना, कई बार ये मुझे संभालते हैं कई बार मैं इनको संभालती हूँ, पर दोनों ऐसे हो जाएंगे फिर कैसे होएगी चीज़ें। और मुझे सुबह से लेके इतने बार चक्कर आ गया ना, इतनी बार चक्कर, पता नहीं चक्कर क्यों आ रहे हैं मुझे, एक तो मैं खाना नहीं खा पा रही ठीक से, इन द सेंस गुस्सा या फ्रस्ट्रेशन निकल जाती है कई बार माइंड से, माइंड में फ्रस्ट्रेशन, वैसी फ्रस्ट्रेशन की मैं गालियाँ दे रही हूँ कुछ कर रही हूँ, जब रेस्टलेस होता है इंसान तो थोड़ा सा हो जाता है ना चिड़चिड़ा वैसा, फिर जल्दी गई पे कौन चल गया गेट खोल तो, फिर जल्दी मासी गई, रोज सुबह जाती है रोज शाम को आती है, फिर जल्दी गई पे, और देखो सुबह के गए हुए थे शाम को 4 बजे घर आ रहे हैं, बताओ। चलो भाई सबकी अपनी अपनी लाइफ है, कौन यहाँ पे क्या ही बोल सकता है किसी को, दुग्गल जी को फीवर है, अब मैं टेंशन हो रही है मुझे कि परसों जाना है हमने वहाँ पे हॉस्पिटल, और वहाँ पे दौड़ भाग बहुत करनी पड़ती है, टेस्ट भी होने, कल भी टेस्ट है, टाइम ही नहीं निकल रहा यार, ये बहुत बोझ बन गया है टाइम, पता नहीं
कब निकलेगा कब निकलेगा, टेंशन 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 खत्म ही नहीं होने में आ रहा यार सब। कभी कभी ऐसे फील होता है मेरे को ना, कभी कभी नहीं, आजकल तो मुझे यही फील हो रहा है कि मैं अकेली हूँ, कोई मेरे साथ नहीं है, अकेली हूँ। जो कि सच भी है, अकेली तो मैं शुरू से ही हूँ, बट कई तब भी मैं मोटिवेटेड रहती हूँ कुछ एक चीज़ों में, बट कई बार मैं अंदर से कुछ अजीब सा हो जाता है मूड इंसान का, तो जो वैसा हो रहा है आजकल बहुत दिनों से बहुत ज़्यादा। इसलिए नहीं कि मेरे को हॉस्पिटल के चक्कर लग रहे हैं, वो तो नेसेसरी है ही है यार, वो तो मेरे को करना ही है, मैं नहीं करूँगी कौन करेगा, पता नहीं तब भी अजीब सा ही फील होता है, ऐसे लगता है मैं अकेली हूँ, कोई है नहीं मेरे साथ, मुझे ना समझने वाला, ना सपोर्ट करने वाला, ना मेरी चीज़ों को देखने वाला, ना मेरी चीज़ों को समझने वाला कि ये कर क्या रही है। हम एटलीस्ट साथ नहीं जा सकते तो थोड़ा सा मोटिवेट तो कर दें अच्छी वर्ड्स बोल के। ज़ुबानी तो है जो चीज़ें खराब भी कर सकती है, बिगाड़ भी सकती है और सही भी कर सकती है। मैंने बोला ना आपको दिन में, यहाँ पे किसी को कोई पड़ी नहीं है, सबको अपनी अपनी पड़ी है, तो वक्त बदलने का वेट हो रहा है बस, वक्त बदलेगा ज़रूर बदलेगा, ये टाइम निकल नहीं रहा है जल्दी, बहुत लंबा लग रहा है ये। मेरी डाइट बोल के रखी है डॉक्टर ने कि हेल्दी खाना ये वो, इनकी डाइट भी, बट वो चीज़ें मिस हो रही है बीच बीच में, कंटिन्यूसली में हो नहीं रही है, मैक्सिमम स्किप हो रही हैं, और चक्कर मुझे आज इतने बार आए हैं ना दिन भर में, क्या ही करूँ मैं। जूस पिया था मैंने वैसे तो सुबह जब मैं आ रही थी हॉस्पिटल से वापस, इसीलिए जूस पिया कि थोड़ा ठीक लगे, फिर भी घूम रहा है, एग्जॉस्ट ज़्यादा हो रही है ना बॉडी, इसलिए हो रहा है मुझे पता है, खाना नहीं फिर खा पाते, यहाँ से खाना लेके तो जाते हैं बट वो फिर ब्रंच ही हो जाता है, ब्रेकफास्ट एंड लंच, एक टाइम का खाना स्किप हो ही रहा है, कभी कभी दो टाइम का भी हो जाता है स्किप, बट किसी को क्या पड़ी है उनका खाना ना स्किप हो। तो गाइस हमारी छुन छुन चार्ज हो चुकी है, जो कि थोड़ी देर तक बैटरी डाउन थी जिसकी, अब वो फुल ऑन बैटरी में दिख रही है। और मैं इस टाइम कहाँ से आ रही हूँ गाइस, मैं गई हुई थी ऊपर, वो वाला ऊपर नहीं हूँ वहाँ, पता नहीं टाइम है वहाँ तक जाने को, तो मजाक कर रही हूँ, पर चलेगी तो मेरी फैमिली क्या होगा। तो क्या कहती हूँ, हाँ मैं गई हुई थी मार्केट जस्ट बिकॉज ऑफ आज दुग्गा जी का डायलिसिस हुआ है, तो इनको चिकन देना पड़ता है आज के दिन, और वैसे भी फीवर इनका 102 जा रहा है गाइस, फीवर नहीं इनका ठीक आ रहा, तो कोल्ड ड्रिंक और चिकन लेके आई हूँ, चिकन के साथ कोल्ड ड्रिंक पीनी बहुत ज़रूरी है, डाइजेस्ट हो जाता है चिकन, तो मैं चिकन लेने गई थी और साथ में लेने गई थी इनकी मेडिसिन। देख लो इस लड़की को, देख लो ऊपर चढ़ रही है, देख लो उसको खुशबू आ गई ना, पारी रहे तो तेरे को मिलेगा, रुक जा। हेलो जी भाई साहब, ये लो आपकी मक्सुदी मेडिसिन। तो जी ये बात है, और आपको एक मज़े की बात बताऊँ, जिस बंदे ने मेरे को प्रॉमिस किया था ना क्लास संभालने के लिए, वो साले इतने बड़े निकम्मे हैं ना, उन्होंने फ़ोन उठाने बंद कर दिए मेरे, पता लग गया ना, मैंने बोला था फ़ोन मैसेज करके कि होने वाला ट्रांसफर, ऐसी शॉर्टी दी थी कि हम संभाल लेंगे क्लास, वो चिंता मत करा अभी ऐसा वैसा क्या हो जाएगा, बंद ही हो जाएगी क्लास है नहीं, कोशिश करके देख रही हूँ मैं, बातचीत करके देख रही हूँ जितने भी मेरे नॉन हैं, बाकी मैं हर किसी के हवाले क्लास कर नहीं सकती हूँ, करने के लिए तो बहुत सारे लोग हैं जो आगे आ रहे हैं, बट मुझे ढंग का बंदा चाहिएगा इस क्लास संभालने के लिए। तो ये चली हुई कहानियाँ, पूरी शाम मैंने इसी में निकाल दी, कॉल्स करने में ये वो लेना, थोड़ा सा स्ट्रेस में भी आ गई थी मैं, बट थोड़ा सा ऊपर गई मार्केट, थोड़ा सा माइंड थोड़ा बाहर निकलते, थोड़ी सी चीज़ें देख के थोड़ा सा हो जाता है ना, थोड़ा माइंड चेंज रहता है, आइडियाज रहते हैं, तो डी मोटिवेट होती हूँ थोड़ी देर के लिए मैं, बट अब ठीक है वापस से चार्ज होके आ गई, क्या होगा ज़्यादा ज़्यादा क्लासेस बंद ही हो जाएंगी है नहीं, कोई बात नहीं बंद हो जाएगी, जो किस्मत में लिखी हुई चीज़ें वो तो नहीं कोई टाल सकता, इनकम सोर्स ऑफ इनकम थोड़े दिन के लिए बंद हो जाएगा, बट इस टाइम पर बंद होना नहीं चाहिए, बट अगर परमात्मा कुछ और सोच रहा है मेरे लिए तो वो बेस्ट है, बस जैसे वो करवा रहा है ना करते जाओ, मैं कोशिशें कर ही रही हूँ वैसे, ऐसा नहीं है कि मैं कुछ ट्राई नहीं कर रही, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ अपनी, लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं बताई दूंगी आपको। तो ठीक है जी गाइस, व्लॉग को अलविदा कहने का वक्त आ गया है, आइए मच्छर क्यों चूमते हैं मेरे को, मतलब गुड नाइट कहने का वक्त आ गया है, खाना पीना खा लिया हुआ है हमने, बस वही कॉल्स वगैरह ये सब चीज़ें हो रही थी, कोशिशें जारी हैं और मेरी कोशिश सफल होगी, क्योंकि जो मेहनती लोग होते हैं परमात्मा उनकी सपोर्ट करता है, मेरे को ऐसा लगता है,
बाकी पता नहीं, परीक्षा भी बहुत लेता है ऊपर वाला, पता नहीं और कितनी परीक्षा लेनी, आई डोंट नो। तो मैं ब्लॉग को ही बैंड कर रही हूँ। आज का दिन अच्छा था कुल मिला के। कल ट्यूसडे है, कल सुबह हमने टेस्ट भी करवाने हैं, कल मॉर्निंग की क्लास भी है, जल्दी भागना पड़ेगा भैया, है ना। तो ठीक है, कल का भी दिन बिजी जाने वाला है। कल आराध्या का सिलेक्शन जो हुआ है फिनाले के लिए, उसकी भी तैयारी स्टार्ट करवानी है। तो व्लॉग को ही पेंड कर देती हूँ ज़्यादा ना बोल के, कल के व्लॉग में वापस मिलेंगे। टिल देन लाइक शेयर सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, पेज पे फॉलो कर देना, कमेंट कर देना, लाइक भी कर देना, ठोको लाइक। बाय, गुड नाइट, टेक केयर।